रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म सिम्बा ने पहले दिन धमाकेदार शुरुआत की है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी सिम्बा ने 88,58,000 रुपए से ओपनिंग की है। सिम्बा रोहित शेट्टी के लिए रिकॉर्ड है। शाहजहांपुर में बढ़ती लूट और अपहरण की घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अब बदमाशों ने दो पशु व्यापारियों से 1.5 लाख रुपए की लूट की और एक का अपहरण कर लिया। घटना के बाद पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुटी है। रामपुर क्षेत्र के सिटी पोस्ट ऑफिस के नाले में लोगों को एक अज्ञात शव मिला। आसपास के लोगों ने बताया कि शव पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन का है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। श्री बहोरन लाल, उनके आवास उनका है हेड पोस्ट ऑफिस के परिसर में। उसी के सामने जो गेट है, उस गेट के पास नाले में उनकी डेड बॉडी अभी थोड़ी देर पहले पता चला पड़ी हुई, निकाली गई, शिनाख्त हो गई है। उनके परिवार को सूचित कर दिया गया, परिवार के लोग आ रहे हैं। नोएडा पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 छाते लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह बदमाश दिल्ली सहित एनसीआर में लूट की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से लूट की 5 लग्जरी कार, 1 मोटरसाइकिल और चोरी का मोबाइल बरामद किया है। शाम 8:30 बजे चेकिंग के दौरान बिसरक पुलिस को एक आम कामयाबी हासिल हुई, जिसमें 3 छाते लुटेरे पकड़े गए हैं। इनके कब्जे से 6 गाड़ियां, 1 मोटरसाइकिल सहित बुलेट मोटरसाइकिल से 6 गाड़ियां बरामद की गई हैं और एक सैमसंग मोबाइल जो कि विजयनगर से लूट किया गया था उसको बरामद किया गया है। और ये सभी गाड़ियां जो हैं किसी न किसी मुकदमे से संबंधित हैं। अलीगढ़ के एक लाश में जिंदा गायों को ही मृत समझकर दफन कर दिया गया। वहीं ग्रामीणों ने गायों को जमीन से निकलते हुए देखा तो ग्रामीणों के होश उड़ गए। कुछ ही देर में मौके पर सैकड़ों लोग एकजुट हो गए और लोगों ने 5 गायों को जिंदा निकाला। इसके बाद गुस्साए लोगों ने मथुरा अलीगढ़ मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। मौके पर जिला अधिकारी, SSP, SP देहात, ADM पहुंचे और 4 लोगों को हिरासत में लिया। तेरा नार पर कुछ गाय दफनाई गई थी, कुछ लोगों ने आके उसको इश्यू बना दिया कि यहाँ गाय मरी पड़ी है और जिंदा दफना दी गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस द्वारा इन लोगों ने जाम लगा दिया था, पुलिस द्वारा आकर इसको स्थिति को संभालते हुए जाम खुलवाया गया है। इसमें उनके द्वारा जो भी टेंडर दी जा रही है और जो भी वैधानिक कार्रवाई है की जाएगी। पुलिस की तरफ से भी इनमें जो उपद्रवी तरफ जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना चाहते हैं उनके खिलाफ पता करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए मॉड्यूल हरकत उल हर्बे इस्लाम के आतंकी मुफ्ती सुहेल के दाहिने हाथ जाकिर मूसा की लोकेशन आज राजधानी में ट्रेस की गई है। खुफिया विभाग और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि मुफ्ती से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस मूसा की तलाश में लगी हुई है। बागपत जिले के BA के छात्र ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही अपहरण का षड्यंत्र रचा। घर वालों को चिट्ठी लिखकर 15 लाख फिरौती की रकम भी मांगी। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने साजिश का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है। कल शाम में थाना रमाला पर एक व्यक्ति आता है और उसके द्वारा बताया गया कि उसका लड़का प्रभात पिछले 24 घंटे से गायब है और दोपहर में उसके घेर में ही एक पत्र पड़ा हुआ है जिसमें 15 लाख रुपए की डिमांड की गई है और वो उस पैसे को कहाँ पहुँचाना है इसका जिक्र किया गया था। तत्काल इस प्रकरण के संज्ञान में आते अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। उसके बाद 4 थानों की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे घटना में लग गई। बरेली में एक फौजी ने मजदूर को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि मजदूरी मांगने पर फौजी ने मजदूर को गोली मारी। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे मजदूर के भाई को भी फौजी ने लोहे की रॉड से सिर पर वार कर दिया, जिसमें मजदूर के भाई की भी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
देहरादून से दार्जिलिंग तक शुक्रवार को सर्दी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। आपको बता दें कि दार्जिलिंग में न्यूनतम तापमान -2 से -4 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। वहीं उत्तराखंड के नई टिहरी, मुक्तेश्वर, पौड़ी, पंचावत का तापमान भी माइनस में रिकॉर्ड किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आधारित फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसके ट्रेलर के साथ ही विवाद भी शुरू हो गया है। कवि कुमार विश्वास ने भी फिल्म को लेकर ट्वीट किया है। कुमार विश्वास ने कहा कि भाड़ में गए देश के जरूरी मुद्दे, फिल्म देखो और तय करो कि वोट किसे देना है। जिसने ज्यादा अच्छा अभिनय किया है उसे, या जो ज्यादा अच्छा अभिनय कर रहा है उसे।